प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है MS Educate YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, हमने तीनों को एक साथ लेकर देखा था कि क्या ये तीनों योग और व्यकलन यानी घटाव के अंदर सर्वर्थ है या नहीं है। अब हम आज इसी से संबंधित आगे कि दो क्रियाएं और रहेगी, संक्रियाएं, गुणन और भाग, उसके अंदर हम देखेंगे तीनों के अंदर कि ये सर्वव्रत होते हैं या नहीं होते। तो जैसे अपन ले लेते हैं टॉपिक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इन तीनों के अंदर हम देखेंगे कि सर्वव्रत है या नहीं। लेकिन कौन सी क्रियाओं के अंदर, संक्रियाओं के अंदर संक्रिया करेंगे हम गुणन व भाग। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं नंबर एक पे प्राकृत संख्या गुणन के अंदर। प्राकृत संख्या में गुणन के अंदर क्या प्रक्रिया रहती है? तो जैसे मान लो अपने दो प्राकृत संख्या ले लेते हैं, जैसे एक प्राकृत संख्या हो गई तीन और इसकी गुणा कर देते हैं दूसरी प्राकृत संख्या पांच से। ये भी प्राकृत है और ये भी प्राकृत है, दोनों प्राकृत है। और जब हम इसका हल करते हैं तो पांच तीन पंद्रह आती है, ये भी क्या आता है, प्राकृत आता है। इसको उल्ट कर यानी बड़ी और छोटी संख्या को बदल के देख लेते हैं तो पांच गुणा तीन करते हैं तो देखते हैं ये भी प्राकृत है, तीन भी प्राकृत है और इसका मान 15 जो आता है वो भी क्या है, प्राकृत आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या गुणन के अंदर सर्वव्रत है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणन के अंदर यानी गुणा जब करते हैं प्राकृत संख्याएं तो उनके अंदर सर्वव्रत होती है। अब इसी के अंदर हम पूर्ण संख्या ले लेते हैं। जब पूर्ण संख्या लेंगे तो हमें पता है कि सारी की सारी प्राकृत पूर्ण होती है, इसके अलावा एक क्या है, जीरो है। तो जीरो का हम उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि ये तो है तो ये तो आएगा, प्राकृत है तो प्राकृत आ ही रहा है। अब हम केवल इसमें एक संख्या ऐड की है जीरो, तो जीरो का गुणा हम मान लो कोई संख्या से करके देख लेते हैं तो जीरो पूर्ण है, पांच भी क्या है, पूर्ण है। और इसका उत्तर आता है पांच की गुणा अगर हम जीरो से करते हैं, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा की जाती है तो मान जीरो हो जाता है और जीरो भी क्या है, पूर्ण है। तो इसका मतलब है ये भी क्या हुई, सर्वव्रत है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तीन नंबर पर पूर्णांक की, तो पूर्णांक संख्या के अंदर देखते हैं कि माइनस वाली संख्या, तो माइनस वाली संख्या इसमें ऐड हो जाती है तो माइनस एक की माइनस तीन के साथ गुणा करें। जैसे मान लो ये पूर्णांक है और ये भी क्या है, पूर्णांक है दोनों, और दोनों पूर्णांकों का जब हम गुणा करते हैं तो यहां हम देखते हैं कि माइनस है दोनों संख्या, दो ऋणात्मक संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो एक धनात्मक संख्या आती है और तीन एकम तीन, और ये भी क्या हुआ, पूर्णांक मिला। ठीक है, इसी तरह मान लो एक ऋणात्मक संख्या हो और एक धनात्मक संख्या हो, दोनों पूर्णांक है और जब हम इनकी गुणा करते हैं तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी तीन एकम तीन और ये भी क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, सर्वव्रत है। तो हमने तीनों के अंदर ये देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, और तीनों के अंदर हमने क्रिया कौन सी की है, केवल गुणन। और जब हम गुणन के अंदर देखते हैं तो तीनों के तीनों क्या है, सर्वव्रत है। तो जैसे हमने एक सारणी कल भी बनाई थी, उस सारणी के अंदर हमने देखा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। हमने इस सारणी के अंदर इस तरह से हमने लिखा था, यहां लिखा था योग के अंदर सर्वव्रत है या नहीं, फिर व्यकलन के अंदर सर्वव्रत है या नहीं, आज हम लिख लेते हैं गुणन के अंदर सर्वव्रत है या नहीं, और फिर हम लिख लेंगे भाग के अंदर सर्वव्रत है या नहीं। यहां हम देख रहे हैं कि तीनों सर्वव्रत है, यहां भी हमने देखा था तीनों सर्वव्रत थी, जबकि हमने घटाव के अंदर व्यकलन के अंदर ये देखा था कि प्राकृत संख्या है वो सर्वव्रत नहीं होती, पूर्णांक संख्या है वो
सॉरी पूर्ण संख्या है वो भी संवृत नहीं थी, जबकि ये पूर्णांक क्या थे, संवृत होते थे। ये हमने कल देखा था, आज हमने गुणन का कर लिया है। अब इन्हीं के अंदर हम देखते हैं भाग के द्वारा कि भाग विधि के अंदर संवृत है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम इन तीनों का देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने चार को भाग किया दो से, अब अपने को पता है भाग का मतलब ये संख्या हम बटे में लिख सकते हैं, तो चार से दो और दो एकम दो, दो दूनी चार, अपने पास उत्तर आ रहा है दो। यहां हम देख रहे हैं कि ये प्राकृत संख्या है, यहां भी हम देख रहे हैं ये भी प्राकृत संख्या है, और उत्तर जो आ रहा है हमारा ये भी क्या है, प्राकृत संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संवृत है, लेकिन हम इसको उल्ट कर देखते हैं कि दो को भाग करते हैं चार से तब क्या होता है, तो दो बटा चार हो गया। यहां कितना मान आया, दो एकम दो, दो दूनी चार, अपने पास मान प्राप्त हो रहा है एक बटा दो, एक बटा दो का मतलब आधा। तो क्या बटे वाली संख्या प्राकृत होती है, यह जरूर प्राकृत है, यह भी प्राकृत है। क्या यह प्राकृत है, या हम देख रहे हैं कि यह प्राकृत नहीं है, इसका मतलब ये संवृत नहीं होते, तो ये जो है वो संवृत नहीं है। तो यहां हम प्राकृत संख्या के अंदर भाग के अंदर लिखते हैं कि यह संवृत नहीं है। वैसे की वैसी चीज यहां भी होगी, पूर्ण संख्याओं के अंदर भी होगी, क्योंकि ये पूर्ण भी तो है, ये भी तो पूर्ण है, और यहां हमने कहीं कि ये बटा दो पूर्ण संख्या भी नहीं है, इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्याएं भी संवृत नहीं होती। अब अगली संख्याओं के ऊपर चलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। यहां हम देखते हैं कि ये भी पूर्णांक है, इसी के अंदर देख लेते हैं दो पूर्णांक है, क्योंकि तो पूर्णांक के अंदर हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या लेते हैं। ये भी पूर्णांक है, क्या जो एक बटा दो है वो पूर्णांक है, नहीं है, इसका मतलब ये भी पूर्णांक है, नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि इसी उदाहरण के अंदर तीनों क्लियर हो जाते हैं कि ये दोनों तो प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक दोनों है, तीनों है, लेकिन जो मान प्राप्त हो रहा है वो एक बटा दो प्राप्त हो रहा है, जो कि ना तो प्राकृत है ना पूर्ण है और ना ही पूर्णांक है। इसका मतलब ये जो तीनों संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, वो भाग के अंदर तीनों संवृत नहीं है। तो हमने यहाँ पे सारणी के अंदर में इसको भी ना कर देंगे, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संवृत है या संवृत नहीं है। हमने ये सारणी के रूप में भी नोट कर लिया है। यहां हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों योग के अंदर संवृत है, तीनों गुणा के अंदर भी संवृत है, लेकिन जब घटाओ की बात करते हैं तो प्राकृत पूर्णांक पूर्ण दोनों नहीं है, भाग में भी दोनों नहीं है, जबकि पूर्णांक केवल घटाओ के अंदर है, बाकी भाग के अंदर नहीं होती। तो इस तरह से हम इनके प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं के जो गुणधर्म थे, संवृत है या नहीं है, वो गुणधर्म हमने देख लिए हैं कि ये संवृत है, भाग के अंदर तीनों संख्या संवृत नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके एक अलग गुणधर्म की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।